हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक सिंगल पाइप एयर प्रेशर हॉर्न, ये टंकी के साथ चलेगा, कंप्रेस्ड एयर के साथ। ठीक है, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोबरा कंपनी का सिंगल पाइप एयर प्रेशर हॉर्न है। तो चलिए अभी इसका बॉक्स जो है उसे हम ओपन करके और उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये है सारा इसका कॉन्टेंट, डिब्बा भी खाली हो चुका है। इसमें एक पाइप है जिसकी जो आवाज़ देने वाली, और बाकी इसके साथ इसकी एयर पाइप है। चलिए इसे खोल लेते हैं। एक इसकी मेन पाइप हो गई, बॉसरी जिसे बोल देते हैं, जो आवाज़ देगी। ठीक है, और दूसरा है इसके साथ इसकी एयर पाइप, एयर पाइप है और साथ में उसकी फिटिंग्स हैं, इसे ट्रक के अंदर इंस्टॉल करने के लिए जो साथ में फिटिंग जो इसके आती है वो है, कनेक्शन निकालने के लिए एयर पाइप का। और तीसरी है इसकी जो एयर स्विच, जो हम नॉर्मली अपने जो प्रेशर हॉर्न बनाते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। ये फीमेल थ्रेड वाला है, हम जो यूज़ करते हैं मेल थ्रेड वाला होता है। ठीक है, तो चलिए इसे मैं अभी पूरे को असेंबल कर लेता हूँ और फिर इसे हम टंकी के साथ लगाकर इसकी आवाज़ सुनते हैं। तो अभी मैंने सारे पार्ट्स जो है वो निकाल लिए हैं। एक चीज़ बता दूँ कि नॉर्मली जो अपने हॉर्न होते हैं उनका सभी का जो स्विच है वो इधर लगा हुआ होता है। ठीक है, बट जो ऐसे वाले हॉर्न आते हैं रूट्स के हो या ये कोबरा का, तो उनमें क्या होता है ये इससे दूर लगता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये जो पाइप है, ठीक है, एयर पाइप, ये एक साइड इसमें लग जाएगी, ठीक है, और दूसरी साइड ये इस स्विच में लगेगी ऐसे। ठीक है, ऐसे इसके कनेक्शन हो गए, और ये जो स्विच है ये अपना जो एयर कनेक्शन जिधर से हम गाड़ी के अंदर से देंगे उधर लगेगा उसके पास। और टेक्निकली जो होता है इसे बेल बोलते हैं, और ये वेस होता है, इसके अंदर काफ़ी पार्ट्स होते हैं, डायफ्राम होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, स्प्रिंग वगैरह सब कुछ होता है। ठीक है, तो चलिए इसे मैं असेंबल कर लेता हूँ। और ये जो पाइप है ये हमारी एयर सोर्स के साथ यानी कि टंकी के साथ लग जाएगी, अभी गाड़ी में जिधर से इसका एयर का पॉइंट देंगे उस साइड लगेगी। तो इधर हमारी टंकी है और टंकी के हम ये साथ इसे लगा देंगे। तो अभी हमारे जो एयर कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं हॉर्न के, बस इधर हमने इसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना है, एक नेगेटिव कनेक्शन एक पॉजिटिव कनेक्शन। तो ये सिंगल ट्यून है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कनेक्शन होगा, कोई ट्यूनर नहीं लगेगा। तो अभी जो हमारी टंकी है ये खाली है, इसके अंदर एयर नहीं है, तो जल्दी से इसके अंदर एयर फिल कर लेते हैं अपना इलेक्ट्रिक कंप्रेसर यूज़ करके, टायर इन्फुलेटर। तो इसके लिए हमें इसे ले जाना पड़ेगा इन्वर्टर की बैटरी के पास। तो चलिए जल्दी से इसके अंदर मैं एयर फिल कर लेता हूँ। तो अभी हमने जो टंकी है उसके अंदर एयर भर ली है, ये देखिए 75 PSI अभी प्रेशर इस टंकी के अंदर है। तो अभी बस हमने इधर कनेक्शन करने हैं वायर्स के, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ये जो एयर वाल्व स्विच है वो 12 वोल्ट है, ये देखिए 12 भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये 24 में भी आता है। तो अभी हम इसे चलाने के लिए इस छोटी बैटरी का यूज़ करेंगे, 12 वोल्ट की का, और इसकी एक वायर हम फिक्स कर देते हैं। ये नेगेटिव हमने फिक्स कर दी, अभी जो पॉजिटिव है उसे हम स्विच की तरह यूज़ करेंगे। तो चलिए अभी हॉर्न को चला कर देखते हैं आवाज़ कैसी है। तो आवाज़ काफ़ी लाउड है, एक बार माइक की तरफ भी करते हैं। तो आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड है। तो ये था फ्रेंड्स अपना कोबरा का सिंगल पाइप हॉर्न, और इसकी जो बेल है, पाइप है, वो प्लास्टिक की है। ठीक है, और जो बेस है वो मेटल का है। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा वीडियो सिंगल पाइप एयर प्रेशर हॉर्न का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और इसके बाद एक छोटा सा वीडियो हम इसका पार्ट एक और लेके आएंगे, उसमें हम इसके साथ इलेक्ट्रिक जो अपना कंप्रेशर होता है ना उसे लगाकर चेक करेंगे कि ये आवाज़ निकालता है या नहीं निकालता है।
और इतनी आउटपुट आती है या नहीं आती है, ठीक है। तो वो वीडियो भी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जाते जाते एक बार फिर आपको इसकी जो आवाज़ है वो सुना देते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।